गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की क़यादत में तमाम मकातिब फ़िक्र उल्मा पर मुश्तमिल मजलिस उल्मा पाकिस्तान के नुमाइंदा वफ़द की मुलाकात हुई। मुलाकात का हवाल जानते हैं सलमान तारिक से। सलमान, बताइएगा किन मामलात पर तबादला ख्याल किया गया? जी, गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की क़यादत में तमाम मकातिब फ़िक्र उलमा पर मुश्तमिल मजलिस उलमाए पाकिस्तान के नुमाइंदा वफद की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में गवर्नर पंजाब ने वफद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी क़याम अमन के लिए उलमा ने हमेशा हुकूमत और सिक्योरिटी और इदारों इंतजामिया के साथ दिया है। तमाम मसालिक और मजाहब को मिलकर रवादारी और हम आहंगी की फिजा को कायम करके आगे बढ़ना होगा। साथ ही उनका कहना था कि जी तमाम इंतजामी मामलों को खुद जदी तौर पर मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। आज 9 और 10 मुहर्रम के हवाले से हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी पूरी इंसानियत के लिए मशले रहा है। साथ ही आखिर में उनका कहना था जी कि फिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम को मद्देनजर रखते हुए तमाम मकातिब फिक्र के लोग अमन और सुकून की फिजा कायम करके इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का अमली मुजाहरा भी करें। जी बहुत शुक्रिया आपका सलमान तारिक, तफसीलात से आगाह करने के लिए।